को भारत की तकदीर को पहचानो आने वाले, पहचानो आने वाले कल की तकदीर को। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की। नमस्कार, ऋषिवन आरोग्य ट्रस्ट की तरफ से मैं वीरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसे प्रयोग में जिसमें हम गौमूत्र के प्रभाव जो शरीर पर पड़ते हैं और गौमूत्र का जो लाभ शरीर को पहुंचता है उसके बारे में बताने के लिए। इसके द्वारा हम यह जानेंगे कि हम गौमूत्र से नफरत ना करें। गौमूत्र हमारे शरीर के लिए सुबह सुबह दो ढक्कन अगर हम पिएं तो हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बेटाडीन की शीशी, जो घावों पर लगाने के लिए एक मलहम है। इसे शरीर में अंदर नहीं ले जाया जा सकता, इसे हम केवल ऊपर घावों पर लगाने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह एक प्रकार का विषकारक असर करेगा हमारे शरीर पर अगर हम इसे अंदर लेके जाएंगे। इसके बाद आता है चावल। ये चावल जो हम घर में प्रयोग करते हैं वही हमने लिए हैं। ये इसके साथ एक कांच का गिलास जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि पानी का क्या प्रभाव, इस विष का क्या प्रभाव पानी पर पड़ता है उसको दिखाने के लिए, और गौमूत्र। और जब हम पानी डालेंगे इसमें, उससे पहले हम दिखाते हैं कि गौमूत्र जो है वो गौमूत्र है जो हम रोज़ सुबह पीते हैं अपने घर में, ये गुरुकुल प्रभात आश्रम का गौमूत्र है। तो हम पानी डालेंगे इस गिलास में, और ये पानी और गिलास एक शरीर को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और ये चावल जो है उस शरीर में अंदर जो अंग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जन्म के समय हमारा शरीर ऐसा था, निरोगी निर्मल और बिना किसी बीमारियों के। तो हमने जीवन में जो गलतियां की खाने पीने में, जो हम विष खा रहे हैं फलों में सब्जियों में कीटनाशकों में, बाहर गंद खा रहे हैं गलत खा रहे हैं, तो उन सब का असर हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है वो इस विष को इस पानी में डालकर हम दिखाएंगे। तो जैसे ही हमने ये विष पानी में डाला, ये उसका पूरा का पूरा रंग बदल देगा। देखिए किस प्रकार से, ये तो बहुत थोड़ा सा विष डाला है, अगर हम देखेंगे तो इतने भी विष ने काफ़ी प्रभाव डाल दिया है इसके ऊपर। अगर हम थोड़ा, जैसे हमने ये शुरू में किया तो हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा हमारा दूषित होना शुरू हुआ, बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे आगे और विष डले तो हमारा शरीर और दूषित हो गया और बीमारियों से ग्रसित हो गया। अब देखेंगे कि जो अंदर चावल थे जो पहले बिल्कुल सफ़ेद रंग के थे, उनका रंग अब बदल गया है और वह गहरे रंग के हो गए हैं, तो काले पड़ गए हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो हम व्यसन करते हैं, शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा ये सब जो हम खाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर अंगों का यही हाल होता है। तो यह है उसको दर्शाने के लिए है। अब हमने जब इसको मिलाया तो अब हम जो अच्छी आदत डालते हैं, जो हमारे द्वारा राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताया गया, वो यह है कि हम रोज़ सुबह दो ढक्कन खाली पेट गौमूत्र पीने की आदत डालें। यह गौमूत्र वाष्पीकृत गौमूत्र का अर्क है जो गुरुकुल प्रभात आश्रम में प्योर तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ मैं सुबह यही पीता हूँ। तो इसके दो ढक्कन जैसे ही हमने डाले तो उससे क्या प्रभाव हुआ कि यह जो पानी के अंदर विष था वो सभी उसका सभी उस विष का प्रभाव जो है इस गौमूत्र ने ख़त्म कर दिया। अब देखिए रंग बिल्कुल बदल गया है। अब आपने जैसे ही इसको और मिलाया तो आपके शरीर के अंदर जो अंग हैं वो भी शुद्ध होने शुरू हो गए, उनमें भी जो दूषित जो कार्बन प्रदूषण उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचा था वो भी वापस होना शुरू हो गया है। तो देखिए जो चावल है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो चावल है ये दोबारा उसी रंग में आ गया है जिस रंग का ये था। तो यह जो है चमत्कार है गौमूत्र का। अब आप देखिए नज़दीक से कि ये उसी रंग के चावल हो गए हैं जिस रंग के हमने इसमें डाले थे। मतलब यह है कि आप गौमूत्र रोज सुबह अगर पी रहे हैं तो वह आपके शरीर को उसी प्रकार का कर देता है जैसा आप जन्म के समय थे, और धीरे धीरे आपके शरीर पे जो व्यसनों के कारण जो जहर मुक्त भोजन करने के कारण जो हुआ, और बड़ी बात क्या है कि इसके बाद भी और भी अगर विष शरीर में आने की कोशिश करते हैं तो उन विषों का विष का भी प्रभाव ये शरीर पर नहीं होने देता। देखिए इस प्रकार कि वो विष आया तो उसके प्रभाव को भी ये नहीं होने दे रहा है। यह है चमत्कार गौमूत्र का। तो आओ हम सभी गौमाता की शरण में जाएं, अच्छे गौमूत्र और शुद्ध गौमूत्र की भी पहचान करने के लिए हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी।